हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। जो हमारी तकरीर हुई वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन के मुतालिक गुफ्तगू हुई। आज इंशाअल्लाह खलीफे दोम हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन पर कुछ गुफ्तो शुनीद करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुनने से ज्यादा बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनिएगा हजरत फारूक आजम उमर रदी अल्लाह ताला अन, इनका नाम उमर है, कुन्नियत अबू हफ्स है, लकब फारूक आजम। इनके वालिद का नाम खत्ताब है, माँ का नाम अंतमा है। आमुल फील के 13 साल के बाद आप पैदा हुए। 27 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। इनके कलमा पढ़ने का जो वाकया है बड़ा दिलचस्प है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु व तस्लीम ने काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ की, अल्लाहुम्मा अईसिल इस्लाम बिउमर इब्निल खत्ताब। या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, उमर को कलिमा पढ़ने की तौफीक दे दे। आपने दुआ की रात को सुबह का जब सवेरा हुआ, अबू जहल ने ऐलान कर दिया कि कोई है सूरमा, कोई है बहादुर जो माज़ अल्लाह मोहम्मद को कत्ल कर दे। हजरत उमर ने यह इरादा किया कि मैं कत्ल करूंगा। अबू जहल ने कहा कि जो कत्ल करेगा उसे मैं 100 ऊंट सुर्ख वाले दूंगा। उमर ने तलवार ली, निकल गए कत्ल के इरादे से। रास्ते में मुलाकात हुई हजरत अरकम से, उन्होंने मालूम किया, ये बताओ तुम्हारा इरादा क्या है, कहां जाना चाहते हो। उमर ने कहा 39 मुसलमान हो गए हैं, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी बातों में आते जा रहे हैं, हमारे माबूदों को छोड़ दिया, आज मैं माजल्ला कत्ल कर दूंगा। अरकम बोले ए उमर, उन्हें तो बाद में कत्ल करना, पहले अपने घर का जायजा लो, पहले अपने घर को देखो। तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब कलिमा पढ़ चुकी हैं, तुम्हारे बहनोई सईद बिन सैद कलिमा पढ़ चुके हैं। उमर कहते हैं सुनने के बाद मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने अपना इरादा तब्दील किया कि पहले तो मैं अपने घर जाता हूं, जाकर के अपनी बहन का जायजा लूं, अपने बहन का जायजा लूं। उमर दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, पूछा कौन, कहा कि उमर हूं। सईद बिन सैद ने कहा तुम्हारे भाई बड़े सख्त हैं। वो जाकर के छुप गए, दरवाजा खोला, तिलावत की आवाज आ रही थी। उमर बोले बताओ तुम क्या पढ़ रही थी, तुम्हारी आवाज किस बात की आ रही थी। उमर की बहन थी, पहले तो खामोश रही, लेकिन जब बार बार मालूम किया बताओ क्या पढ़ रही थी, तो आपकी बहन ने जवाब दिया मैं कुरान की तिलावत कर रही थी। उमर जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, अपनी बहन के थप्पड़ मारा, जमीन पर गिरी, अपने कपड़ों को झाड़ते हुए। उमर की बहन उठी और कहा भाई एक नहीं 1000 थप्पड़ मारो, लेकिन हम नबी का दीन छोड़ नहीं सकते, हम कुरान की तिलावत छोड़ नहीं सकते, हम कुरान से दूर रह नहीं सकते। उमर ने मारा और मारा, यहां तक के दस्ता जो कि तलवार का होता है उससे मारना शुरू किया। मारते रहे मारते रहे, यहां तक के खून निकल गया। सईद बिन सैद जो आपके बहनोई हैं वो बचाने के लिए आए, उनको भी मारा, उनकी भी पिटाई की। अल्लाहु अकबर, दोनों के खून बहने लगा। हजरत फातिमा बिनते खत्ताब ने खून अपने हाथ में लिया, जलाल में आकर के बोली ए उमर, जिसका तू बेटा है उसी की मैं बेटी हूं, जिसका दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है, जिसकी रगों में तेरी रगों में जिसका खून है उसी का खून मेरी रगों में है। तुम अगर
जान से भी मार दो तो भी हम कलमा छोड़ नहीं सकते, नबी का दीन छोड़ नहीं सकते, कुरान छोड़ नहीं सकते। यूं कहना चाहती थी, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने जब बहन का जलाल देखा, जब बहन का जलाल गुस्सा देखा तो ठंडे पड़ गए, कहने लगे बहन बताओ तुम क्या पढ़ रही थी, किस बात की तुम तिलावत कर रही थी, क्या पढ़ रही थी। आपने कहा मेरे भाई तुम अभी हालते कुफर में हो, पहले गुस्ल करो, वुजू करो, उसके बाद में तुम्हें सुनाया जाएगा वो कलाम क्या है, उस कलाम में तासीर कितनी है, जिस महबूब पर नाजिल हुआ उनका मकाम क्या है। उमर ने गुस्ल किया, अब आपकी बहन कुरान की तिलावत करने के लिए बैठ जाती है, सूरे ताहा की तिलावत करना शुरू की। ताहा, मा अंसलना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलकल अर्दा वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शिस्तवा। तिलावत करती जा रही है उमर की बहन। जब इस आयत करीमा पे पहुंची, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह फअबुदनी वअकीमिस सलाता लिज़िक्री, कि मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत करो, नमाज पढ़ के मेरा जिक्र करो। हजरत उमर की बहन ने अपनी निगाहों को उठाया, क्या देखती हैं, उमर की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। बहन ने पूछा बताओ क्या इरादा है, कहा बहन इरादा ये है, पहले तो कत्ल के इरादे से आया था लेकिन कलाम को सुन के मैं समझ गया ये किसी बशर का कलाम नहीं, ये किसी इंसान का कलाम नहीं, वो कहते रब का कलाम है, तो यकीनन ये रब का कलाम है। अब इरादा ये है, पहले कत्ल के इरादे से आया था, अब मेरे गले में तलवार लटका दो, हाथ पीछे को बांध दो और मुझे मुस्तफा की बारगाह में ले चलो ताकि मैं कलिमा पढ़ लूं। कैदी बना करके आपके गले में तलवार डाल दी गई, हाथों को बांध दिया गया। सुनिएगा गौर से, तवज्जो दीजिएगा, मैं फारूक आजम की बात कर रहा हूं, उमर की बात कर रहा हूं, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने काबे का किला पढ़ के पकड़ के दुआ की, मौला इस्लाम की तौफीक दे दे, उमर को कलिमा की तौफीक दे दे, उमर को दीन तक पहुंचा दे। अल्लाहु अकबर। अब लेकर के चले हैं दारे अरकम के बाहर, अमीर हमजा खड़े हैं, दूसरे सहाबा हैं। अल्लाहु अकबर। सुनिएगा गौर से, किसी ने बताया उमर आ रहा है, अमीर हमजा को पता चला कि बताया गया उसके गले में तलवार है, गुस्से की हालत में है, गले में तलवार है। अमीर हमजा कहने लगे आने दो, आने दो, अगर बात करेगा तो बात करेंगे, अगर बात तलवार की होगी तो तलवार से करेंगे, अगर जबान से करेगा जबान से करेंगे, जैसा वो करेगा वैसा जवाब देंगे। उमर आ रहे हैं, शोहरत हो गई, जिक्र होने लगा, चर्चा होने लगा, उमर आ रहा है, उमर आ रहा है, शोर हो गया, उमर आ रहा है। ये शोर मुस्तफा जाने रहमत के कानों में पहुंचा, नबी बैठे थे, खड़े हो गए, दरवाजे की तरफ बढ़ी, कहा दरवाजा खोल दो, बोले नहीं हुजूर उमर है, कहा दरवाजा खोल दो, खत्ताब का बेटा है, कहा हुजूर ने दरवाजा खोल दो, कहा गले में तलवार है, हुजूर फरमाते दरवाजा खोल दो। अल्लाहु अकबर। उमर शायद आपको तकलीफ ना पहुंचा दे, नबी फरमाते दरवाजा खोल दो, और जुमला दिल पर लिखिएगा, मुस्तफा जाने रहमत शमे बस में हिदायत फरमाते हैं आने दो दरवाजा खोल दो, उमर खुद नहीं आया, मैंने रब से मांग करके लिया है, रात मैंने दुआ की है, मौला उमर को इस्लाम की तौफीक दे दी। क्या मंजर था, दरवाजा खोला गया, दरवाजा खोला गया, उमर आते हैं, गले में तलवार पड़ी है, हाथ पीछे को बंधे हैं, नजरें झुकी हैं। गौर कीजिएगा, नबी की आंखों में आंसू हैं लेकिन जमीन पर नहीं गिर रहे, आंखों से नहीं
निकले, आंसू आंखों के अंदर हैं। कहते हैं अबू बकर, कहते हैं हजरत सईद बिन जैद, क्या मंजर था। मुस्तफा जाने रहमत खड़े हैं, सामने हजरत उमर हैं। अल्लाह के रसूल ने उनका बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के झंझोड़ करके कहा, बताओ उमर अब क्या इरादा है। उमर कहने लगे, आका इरादा क्या है, बस जल्दी से कलमा पढ़ा लें और इस्लाम में दाखिल करें। इतना कहा, अल्लाहु अकबर, हुजूर बड़े खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इतना बुलंद नारा किया। सहाबा कहते हैं, पहली मर्तबा हुजूर ने इतनी खुशी में नारा लगाया। आपने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा कहते हैं, हमने भी बुलंद आवाज से कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर बड़ा खुश हुए उनके ईमान पर, हुजूर बड़ा खुश हुए उनके दीन इस्लाम में दाखिल होने पर। हजरत उमर ने इस्लाम को कबूल किया और नबी कौनैन ने नारे तकबीर को बुलंद किया। सुनिएगा गौर से, कोई अगर ये कह दे कि हुजूर ने तो नारे तकबीर लगाया था, नारे रिसालत कहां से है, तो नबी इशारों में बता गए, मैंने नारे तकबीर लगा दिया है। अब नारे रिसालत लगाने के लिए उमर आ गया है। हर जगह अब नारे रिसालत लगेगा, मक्के में नारे रिसालत लगेगा, मदीने में नारे रिसालत लगेगा, मक्के की गलियों में नारे रिसालत लगेगा, अब हर जगह नारे रिसालत लगेगा। जंगे उहद में नारे रिसालत, जंगे बदर में नारे रिसालत, अब उमर आ गया है, हर जगह नारे रिसालत बुलंद होगा। हजरत उमर ने इस्लाम को कबूल किया, अब 40 मुसलमान हो गए। अब यहां से इस्लाम को बड़ी तकवियत मिली है। हजरत उमर के इस्लाम लाने के बाद सुनिएगा, मैं हदीसें पढ़ता हूं, आप हदीसें सुने और मोहब्बत से सुभान अल्लाह भी बोलें। सुनिएगा जरा, मिश्कात की हदीसें पाक है, मैं शान बयान कर रहा हूं हजरत उमर फारूक आजम की। नबी फरमाते हैं, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो रब ताला उमर को नबी बनाता। इतनी बड़ी फजीलत। नबी फरमाते हैं, उमर की शान ये है, उमर का मकाम ये है, उमर जिस गली से गुजर जाए शैतान वहां से भाग जाता है, शैतान वहां से चला जाता है। उमर की शान आके कायनात इस तरह बयान करते हैं, अगर जिब्रील अमीन 950 साल तक मेरे उमर की फजीलत बयान करे तो 950 साल मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन उमर की सीरत, उमर का अखलाक, उमर का मकाम बयान नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। सुनिएगा गौर से, मैं उमर फारूक की बात करने लगा हूं, कितने साल हुकूमत की ये भी सुनिएगा। 10 साल आपने हुकूमत की, 10 साल 6 महीने 10 दिन आपका दौरे खिलाफत है, लेकिन दौरे खिलाफत कैसा, आज उनकी मिसाल दी जाती है, उमर फारूक ने कैसी खिलाफत की। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम का दौर है, फारूक आजम का दौर है। आप निकल रहे हैं रास्ते से, देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है, आपने उसका जायजा लिया। आप जायजा लेते थे, मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर किसी को हुकूमत करनी है सही माना में तो किसी और लीडर को ना पढ़े, सिर्फ उमर की जिंदगी को पढ़े, उन्हें पता चलेगा कि कैसे हुकूमत होती है, कैसे खिलाफत होती है। हजरत उमर फारूक आजम रास्ते से गुजरे, आप अपने घोड़े पर हैं, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, आपने उससे कहा, ऐसा करो हमें थोड़ा दूध दे दो, हमें दूध की जरूरत है, हमें थोड़ा दूध दे दो। वो कहने लगा, हजरत, उसने पहचाना नहीं कि ये फारूक आजम है। कहा, मैं आपको दूध नहीं दे सकता, मैं चरवाहा हूं, बकरियां चराता हूं,
मालिक से इसका पैसा लेता हूं, मैं इन तुम्हें दूध नहीं दे सकता। आपने फरमाया अच्छा तो ऐसा करो दूध दे दो, उसके बदले में उजरत ले लो, मतलब पैसे में दूध दे दो। वो कहने लगा हजरत आप समझ नहीं पाए, मैं इनका मालिक नहीं हूं, मैं बकरियों को चराता हूं। खिलाफत का दौर है फारूक आजम का, कैसे बंदों की तरबियत कर रहे हैं। आपने कहा ऐसा करो पैसों में दूध बेच दो, का नहीं बेच सकता, मैं बकरियां चराता हूं इसकी मुझे कीमत मिलती है लेकिन मैं दूध बेच नहीं सकता। आपने फरमाया ऐसा करो तो बकरी बेच दो, का बकरी नहीं बेच सकता, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूं, बकरियां नहीं बेच सकता। आपने एक सवाल किया तवज्जो से सुनिएगा, फरमाया ये बताओ कभी ऐसा तो होता होगा तुम्हारी बकरियों को भेड़िए ले जाते होंगे, तुम्हारी बकरियों को शेर ले जाते होंगे। कहा हां बेशक कभी भेड़िया ले जाता है कभी शेर ले जाता है। आपने पूछा तो ये बताओ अपने मालिक से क्या कहते हो, वो कहने लगे मैं अपने मालिक से बता देता हूं कि आज बकरी को शेर ले गया आज बकरी को भेड़िया ले गया। आपने पूछा तुम्हारा मालिक तफ्तीश तो नहीं करता, वो कहते नहीं मेरा मालिक मान लेता है मेरा मालिक समझ जाता है। तो आपने फरमाया ऐसा करो बकरी दे दो, अपने मालिक से जाकर के कह देना आज बकरी को शेर ले गया है आज बकरी को भेड़िया ले गया है। उन्होंने जवाब दिया हजरत आप बातें कैसी कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपको मालूम नहीं मैं इनका मालिक नहीं हूं, मैंने बता दिया। लेकिन एक चरवाहे का जुमला सुने, तारीखी जुमला है, चरवाहे ने कहा ए हजरत इतना बताएं मैं जिसकी बकरी बेच रहा हूं अगरचे वो ना देखे लेकिन मुझे सवाल का जवाब दे दे, अगरचे बकरियों का मालिक बकरी बेचता ना देखे लेकिन जो मेरे मालिक का भी मालिक है वो तो देख रहा है। अल्लाहु अकबर, तारीखी जुमला बोला और बताया जो भी आप बुरा काम करते हैं कोई देखे ना देखे लेकिन मालिक के हकीकी देखता है, हमारा रब देखता है कौन बंदा क्या कर रहा है। जब इतना कहा ना कि दूध नहीं बेचूंगा दूध नहीं दूंगा बकरी नहीं दूंगा क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं मैं चरवाहा हूं, किसी हाल में बकरी ना दी, पीठ पीछे है। अल्लाहु अकबर, फारूक आजम अपने घोड़े से उतरे, उतरने के बाद उस चरवाहे को आपने अपने गले से लगाया और इरशाद फरमाया जब तक इस दीन मोहम्मद में मेरी खिलाफत में मेरी रियाया में ऐसे बंदे रहेंगे इस्लाम का परचम हमेशा बुलंद रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके लबो लहजे में और इजाफा अता फरमाए। आप सुन रहे हैं ना समझ रहे हैं, मैं फारूक आजम की जिंदगी बयान कर रहा हूँ। ऐसे फारूक आजम कैसी रियाया थी, कैसे बंदे थे कि हर वक्त रब की रजा तलाश करते थे। और सुनिएगा खिलाफत उमर है उनका दौरे हुकूमत है, कैसी हुकूमत की अल्लाहु अकबर। कहते हैं रात में हजरत उमर फारूक आजम एक मर्तबा रात में निकल गए भेस बदल के, आप निकलते थे गश्त करते थे, बड़ी तवज्जो से इस वाकये को सुनिएगा, गश्त करते थे निकलते थे कि कहीं कोई परेशान तो नहीं कोई बीमार तो नहीं किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। खिलाफत ऐसे होती है, इसी को तो खलीफा कहते हैं। हुकूमत चलाने का तरीका ये होता है कि गरीबों को देखा जाए परेशानों को देखा जाए बीमारों की तीमारदारी की जाए। कहते हैं एक रात 2 बजे का टाइम था, फारूक आजम देख रहे थे मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में घूम रहे थे, अचानक मदीने से कुछ दूरी पर आपको आग जलती हुई नजर आई, आपके साथ में गुलाम थे। आपने कहा जरा जायजा लूं वह आग कैसी जल रही है, वो गए जाकर के देखा तो वहां पर एक अराबी थे एक देहाती थे उनके साथ उनकी
अपनी बीवी थी, उन्होंने जाकर के मालूम किया तुम यहाँ पर क्यों ठहरे हो, तुम्हारे ठहरने की वजह क्या है। उन्होंने डांट कर मना कर दिया, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। वो वापस आ गए, फारूक आजम को पूरी बात बताई। फारूक आजम खुद गए और जाकर के पूछा, बताओ भाई क्या परेशानी है। पहले तो उन्होंने इनकार किया, वो देहाती थे, लेकिन उन्होंने बाद में बताया, कहने लगे मैं फुला जगह से हजरत उमर से अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए आया हूं, उनसे मुझे कुछ काम है। आते आते मुझे ताखिर हो गई, रात हो गई, मैंने सोचा यहीं पर मैं खैमा लगा लूं, सुबह को मुलाकात कर लूंगा, सुबह को मुलाकात कर लूंगा। रात के 2 बजे हैं, रात में परेशान करना नहीं चाहता। और उनकी बीवी हामिला थी, उनकी बीवी उम्मीद से थी। खैमे के अंदर करहाने की आवाज, दर्द की शिद्दत की आवाज, अल्लाहु अकबर आती है बाहर को। फारूक आजम पूछते हैं, ये बताओ परेशानी क्या है। अंदर से जो ये आवाज आ रही है चिल्लाने की, तकलीफ की, ये किसकी आवाज है। वो एराबी रो करके कहने लगे, उन्होंने पहचाना नहीं। कहा, हजरत मेरी बीवी हामिला उम्मीद से है और वक्त करीब आ गया है, मेरे पास कोई दाई नहीं है। फारूक आजम ने इतना सुना, कहा ऐसा करो ठहरो थोड़ी देर, मैं अभी गया और अभी वापस आया। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अपने घर पहुंचे, जाकर के अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हयात, ये बताओ अगर रब तुम्हें कोई बड़ा अजर देना चाहे तो बड़ा अजर लोगी। फारूक आजम की बीवी ने कहा, हाँ जरूर, अगर कोई बड़ा अजर मिल रहा है तो मैं बड़ा अजर जरूर लूंगी। फारूक आजम कहते हैं, आज मेरे दोस्त के घर पे विलादत है, पैदाइश है, चलो जरूरत के सामान ले लो। उसकी जाकर के मदद करते हैं, उसकी जाकर के हेल्प करते हैं। फारूक आजम की बीवी ने कुछ सामान लिया, घी लिया, फारूक आजम से कहा लकड़ियां ले लो, आग की जरूरत पड़ेगी। फारूक आजम ने लकड़ियां उठाई। पता है आपको मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं उस पतले जलील की बात कर रहा हूं, उस बहादुर की, मैं किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं उस हाकिम की बात कर रहा हूं जो 40 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, उसकी बात कर रहा हूं जिसके बारे में नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। उसकी बात कर रहा हूं जिसके बारे में नबी ने फरमाया, उमर के साये से शैतान भागता है। अपने हाथों में लकड़ियां ली और चली, वहां पर पहुंची। फारूक आजम की बीवी ने कहा, ऐसा करो ये सामान डाल लो, घी डाल लो, आग जला लो, और आग जलाने के बाद इसको चलाते रहना, मैं अंदर जाती हूँ। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम का अंदाज देखें, आपने लकड़ियां जलाई, चूल्हा बनाया, बर्तन रखा, घी डाला, सामान डाला, वो चलाते रहे। उनकी बीवी अंदर चली गई उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए। वो एराबी कहते हैं, एराबी कहते हैं, मुझे तो पता नहीं था ये अमीरुल मोमिनीन है, मैं उनके साथ गुलामों जैसा सुलूक करता। मैं कहता पानी लाओ, वो दौड़ करके पानी लाते। मैं कहता ये चीज लाओ, वो दौड़ करके वो चीज लाते। अल्लाहु अकबर। सुनने गौर से, क्या रंग है मुस्तफा की तरबियत का, क्या अंदाज है मुस्तफा की मोहब्बत का। अल्लाहु अकबर, क्या अंदाज है गरीब से मोहब्बत करने का। इतना बड़ा हाकिम, इतना बड़ा हुक्मरान के 40 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, एक अराबी, एक दिहाती, एक गरीब की बात को ऐसे मानता है। वो अराबी कहते हैं, मैं देख रहा था वो आग में फूंक मार रहे थे, सारी दाढ़ी धुएं से भर गई, चलाते रहे, आग जलाते रहे और बर्तन में जो था उसे चलाते रहे। अल्लाहु अकबर। कहते हैं, अंदर से फिर विलादत की बच्चे की आवाज आती है। अंदर से आवाज आई, मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे दोस्त के यहां रब ने बेटा दिया है। जब ये कहा अमीरुल मोमिनीन, मुबारक हो, मुबारक हो, वो बंदा घबरा गया, वो बंदा घबराने लगा।
फारूक आजम रदी अल्लाह ताला वो तैयार कर रहे हैं। अंदर से आवाज आई, आए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे दोस्त के यहां बेटा हुआ है। जब इतना कहा तो वो बंदा घबरा गया, रोने लगा, तेजी से दौड़ा, उसका अमामा भी खुल गया। उसने कहा, हजरत गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप उमर फारूक हैं, आप फारूक आजम हैं। वो फारूक आजम जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं, वो फारूक आजम जो 40 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम ने कहा, घबराओ मत, परेशान मत हो, वो कादरत गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। फारूक आजम फरमाते हैं, ए बंदे तुझे पता नहीं, तुझे खबर नहीं, तू आया कहां पर है, तू मुस्तफा जाने रहमत के शहर में आया है, मदीना आया है, जहां पर मालदारों का इस्तकबाल नहीं, गरीबों का इस्तकबाल होता है और गरीबों से मोहब्बत की जाती है। आप अंदाजा लगाएं, उमर फारूक का दौरे खिलाफत ये था। 10 साल आपने हुकूमत की, 10 साल चरवाहे तरवाहों की तरबियत की, हर एतबार से आपने दीन रसूल को आगे बढ़ाया। क्या अंदाज था, अल्लाहु अकबर। इमाम गजाली फरमाते हैं, कैसी तरबियत करते थे, सुनिएगा गौर से। इमाम गजाली ने नकल किया है, एक बंदा शराब की बोतल लेकर के जा रहा था, तवज्जो है आपकी, शराब की बोतल, उमर फारूक सामने से आ गए, इतना डर था, कैसी इसलाह करते होंगे। उसने उमर फारूक को देखा, घबरा गया और दिल दिल में कहने लगा, या अल्लाह आज उमर फारूक से बचा ले, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज बचा ले, अब नहीं पीऊंगा। इतना कहा, फारूक आजम पास आए, बोतल चादर में छुपी थी। आपने फरमाया, क्या है बताओ। उसने कहा, मेरे पास सिरका है, इस बोतल में सिरका है। कहा, दिखाओ, चेक कराओ। चेक कराया गया तो वाकई सिरका था। दिल में सच्ची तोबा की, फारूक आजम से बचा ले, अल्लाह ने बचा लिया, शराब को सिरके में तब्दील कर दिया। लेकिन एक रिवायत मैंने सुनी, उम्मीद है सुन के आपको बड़ी अच्छी लगेगी। फारूक आजम ने जब वो जाने लगा तो पलट के इरशाद फरमाया, ए बंदे तूने तोबा मेरे डर से की है, अगर रब के डर से करता तो रब इसको सिरका नहीं बल्कि शहद बना देता। कैसी तरबियत करते थे, अल्लाहु अकबर। कैसी तरबियत थी, हर कोई डरता था, हर कोई आपसे खौफ करता था, गुनाह दूर हो गए थे आपकी दौरे खिलाफत में। और देखिए, आपकी एक बात सरे फहरिस्त किताबों में आती है, आपने अपने गवर्नरों को जहां जहां मुकर्रर किया उनकी बड़ी अच्छी तरबियत करते। आप समझाते कि देखो तुम्हें फुला जगह का गवर्नर बनाया जा रहा है, लेकिन तुम गरीबों का ख्याल करना, यतीमों का ख्याल करना, मिस्कीनों का ख्याल करना, उनसे मोहब्बत करना। और फारूक आजम का तरीका था, 5 या 6 महीने के बाद आप मस्जिद के अंदर बैठते, जामे मस्जिद में पहुंचते, लोगों को बुलाते और मालूम करते थे, ये बताओ तुम्हें हमारे गवर्नर से कोई तकलीफ तो नहीं। हुकूमत ऐसे होती है, हाकिम ऐसे होता है। बल्कि एक जगह मैंने पढ़ा, एक यहूदी ने तो ये कह दिया, अगर 6 महीने उमर फारूक और हुकूमत कर जाती सारी दुनिया में इस्लाम होता। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम गवर्नर बनाते तो तरबियत करके भेजते। एक गवर्नर हैं हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में मैंने पढ़ा कि
अल्लाहु अकबर, इन्हें आपने गवर्नर बना करके भेजा, कैसी तरबियत करते थे ये गवर्नर बने, आपने इनको समझाया। सईद बिन आमिर एक इलाके के जब गवर्नर बन गए तो कुछ दिनों के बाद फारूक आजम 5 या 6 महीने के बाद जामे मस्जिद में पहुंची, लोगों को जमा किया, पूछा बताओ हमारी हुकूमत में, हमारे दौरे खिलाफत में तुम्हें हमारे गवर्नर से कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? एक बल्कि कुछ लोगों ने तो बयान किया, कहने लगे हजरत हमें इनसे 4 शिकायतें हैं। 4 शिकायतें? आपने पूछा बताओ वो 4 शिकायतें क्या हैं? दिल का कलेजा, कलेजा आपको बाहर को आएगा, सुनिएगा गौर से, कैसा दौर है उमर फारूक आजम का। जब पूछा बताओ तुम्हारी 4 शिकायतें क्या हैं, सईद बिन आमिर बैठे हैं, लोगों ने कहा पहली शिकायत तो ये है कि ये पहले जब आए थे फजर के बाद हमसे मिलते थे, हम इनसे अपने मसाइल बताते थे, अब ये फजर के बाद नहीं मिलते, पहले ये हमें ईशा के बाद भी मिलते थे, अब ईशा के बाद नहीं मिलते। तीसरी शिकायत ये है, अब सईद बिन आमिर फजर के बाद नहीं मिलते, ईशा के बाद नहीं मिलते, और फिर आप हमें हफ्ते में 1 मर्तबा नहीं मिलते। चौथी शिकायत ये है कि आप जब रोते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। 4 शिकायतें फारूक के आजम के सामने की गईं। फारूक के आजम ने पूछा सईद बिन आमिर बताओ क्या शिकायतें सही हैं, जो शिकायतें लोगों ने की हैं? अल्लाहु अकबर, सईद बिन आमिर की आंखों में आंसू हैं, कहते हाँ मैं पहले मिलता था, अब फजर के बाद नहीं मिलता हूँ, पहले मैं ईशा के बाद मिलता था, अब नहीं मिलता हूँ, हफ्ते में 1 बार नहीं मिलता हूँ, मैं रोता हूँ तो बेहोश हो जाता हूँ। आपने फरमाया ए उमर अगर तुम ना पूछते तो मैं बताता नहीं। एक गवर्नर की बात सुने, एक हाकिम की बात सुने। हजरत सईद बिन आमिर कहते हैं ए फारूक आजम मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ, वजह ये है फजर के बाद जो मैं लोगों से नहीं मिलता, पहले मिलता था तो मेरी बीवी बीमार ना थी, अब मेरी बीवी बीमार है, मेरी बीवी माजूर है, चल नहीं सकती है, मेरी बीवी ने हजरत 30 साल मेरी खिदमत की, शबो रोज मेरे साथ रही, शबो रोज मेरी खिदमत की, आज वो माजूर है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी बीवी की खिदमत करूं? उमर फारूक से कहा सुनिएगा गौर से, ए फारूक आजम मैं सुबह को फजर की नमाज के बाद अपने घर में झाड़ू देता हूं, अपने घर में सफाई करता हूं, अपने घर में आटा गूंथता हूं, खाना तैयार करता हूं, खुद भी खाता हूं, बच्चों को भी खिलाता हूं, बीवी को खिलाता हूं। फारूक आजम कहते हैं पहली बात का जवाब सुना, मस्जिद में लोगों की चीखें निकल गई, हमारे गवर्नर का यह आलम है बीवी बीमार है तो बीवी की खिदमत के लिए अल्लाहु अकबर आटा भी गूंथते हैं, उनका पखाना पेशाब उसको भी साफ करते हैं। हजरत उमर फारूक से कहा दूसरे का जवाब सुने, मैं जो एक हफ्ते में इनसे 1 बार नहीं मिलता, फारूक आजम वजह यह है मेरे पास 1 जोड़ी कपड़े हैं। सईद बिन आमिर रोते जा रहे हैं, फारूक आजम की आंखों में आंसू हैं, कहते हैं ए उमर मेरे पास 1 जोड़ी कपड़े हैं, हफ्ते में 1 मर्तबा धोता हूं, पूरे हफ्ते पहने पहने कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़ों में बदबू आने लगती है, मैं कपड़ों को धोता हूं, अपनी बीवी के कपड़े पहनकर घर में बैठा रहता हूं, जब कपड़े सूख जाते हैं पूरा दिन लग जाता है, कपड़े सूखते हैं, अपने कपड़े पहन करके बाहर आता हूं, बीवी के कपड़े पहनकर बाहर नहीं आ सकता। दूसरी बात का जवाब दिया, तीसरी का पूछते हैं बताओ ईशा के बाद रात को क्यों नहीं मिलते? सईद बिन आमिर चीख मार कर रोए, अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ करके कहा ए उमर बता इन बालों में कोई बाल काला है क्या? सारे बाल सफेद हो गए, पता ये चला अब वक्त आ गया
आया है जाने का, अब दुनिया में वक्त पूरा हो गया है। सईद बिन आमिर कहते हैं, ए उमर, अब सारे बाल सफेद हो गए, अब मैं रात को घर में मुसल्ला बिछा कर रब को मनाता हूँ, रोता हूँ, जो गुनाह हुए रब माफ कर दे, जो कोताहियां हुई माफ कर दे। ए उमर, मैं दिन का वक्त रियाया को देता हूँ, रात में मैं अपने रब को मनाता हूँ। अल्लाहु अकबर। चौथी बात का जवाब आपने इरशाद फरमाया, मैं रोते रोते बेहोश हो जाता हूँ। बेहोश होने की वजह क्या है? वजह यह है, ए उमर, मैंने 40 साल की उम्र में कलिमा पढ़ा है, 40 साल की उम्र में, 40 साल से पहले जो गुनाह थी वो गुनाह मुझे याद आते हैं। जब याद करता हूँ कि कितने गुनाह किए थे, काश पहले कलिमा पढ़ता, काश पहले नबी की गुलामी में आ जाता, काश पहले इस्लाम को कबूल कर लेता। 40 साल के जो गुनाह है जब याद आते हैं मैं रोता हूँ। आखिरी उम्र है, रोते रोते बेहोश हो जाता हूँ। अल्लाहु अकबर। जब चार बातों का जवाब दिया, सारी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे, हम तो कुछ और समझ रहे थे, बात तो कुछ और निकली। उमर फारूक आजम ने जब चारों जवाब सुने, फजर बाद नहीं मिलता क्योंकि बीबी की खिदमत करता हूँ, ईशा बाद नहीं मिलता रब की इबादत करता हूँ, हफ्ते में एक बार नहीं मिलता कपड़े धो करके सुखाता हूँ, रोता इसलिए हूँ कि मैं रब अपने गुनाहों को याद करता हूँ। इतना जब कहा, फारूक आजम जमीन से उठे, सईद बिन आमिर को अपने गले से लगाया और रब की बारगाह में दुआ की, मौला मुझे ऐसे और गवर्नर अता फरमा। जब तक ऐसे गवर्नर आका की उम्मत में रहेंगे, इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। दौरे उमर में तो गवर्नर भी ऐसे होते थे, आप अंदाजा लगाएं गवर्नरों का ये आलम था। अल्लाहु अकबर के उनका अंदाज देखें, उनका तौर तरीका देखें। उमर फारूक आजम का मैं दौरे खिलाफत, उसके चीदा चीदा कुछ फूल आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। कैसा दौरे खिलाफत, अल्लाहु अकबर। एक एक पर तवज्जो थी, एक एक बंदे पर, गरीबों को देखा जाता, ख्याल किया जाता। आप रात को निकलते देखने के लिए, कोई परेशान तो नहीं। एक बात और सुन लें, एक रात आप निकले तो एक घर से आवाज आ रही थी, माँ कह रही थी अपनी बेटी से, दूध में पानी मिला दो। बेटी ने जवाब दिया, नहीं, पानी मिलाना ठीक नहीं है, ये फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। तो कहा माँ ने, फारूक आजम देख थोड़ी ना रहे है। बेटी ने कहा, नहीं, अगर वो नहीं देख रहे लेकिन उनका रब तो देख रहा है। ये बात हो रही थी कि पानी ना मिलाया जाए दूध में, दौरे खिलाफत है उमर का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी तरबियत की होगी उमर फारूक ने 10 साल तक, कैसी दीन की खिदमत की होगी। इतना सुना, घर चले गए। घर जाकर के अपने गुलाम से कहा, इस घर को जरा याद रखना, इसका पता याद रखना। फारूक आजम ने अपने बेटों से कहा, बुलाया, कहा बताओ कौन निकाह करने तैयार है। एक बेटे ने कहा, मैं तैयार हूं। आपके बेटे तैयार हो गए निकाह के लिए। फारूक आजम फरमाते हैं, इस उम्मत की बेहतरीन खातून का मैंने इंतखाब किया है। फारूक आजम ने जो के गवर्नर हैं, जो के हाकिम हैं, अल्लाहु अकबर, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, उस बेटी को अपने घर अपनी बहू बनाकर लेकर के आते हैं जो के गरीब हैं। और आपने कयामत के मालदारों को, हाकिमों को पैगाम दिया कि गरीबों की बेटियां अगर नेक हैं उन्हें सहारा दो, अपने घर की उन्हें बहुआ बनाया करो।
लिहाजा फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन का तौर खिलाफत है, कोई पानी को दूध में नहीं डालता है, कोई बकरियों को नहीं बेचता है। सच बोलते हैं लोग, अकीदतमंद हैं लोग, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, दीन की पासबानी है। कहां गए वो अय्याम, कहां चले गए वो दिन। अल्लाहु अकबर, अब याद आते हैं वो अय्याम, कैसा जमाना था मेरे फारूक आजम का। और सुनिएगा, मैं कुछ रिवायतें और पढ़ दूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फारूक आजम को रब ने कितनी ताकत, कितनी कुव्वत, कितनी बहादुरी, कितनी शुजात और कैसी करामतें उनको अता फरमाई थी। बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी प्यारी रिवायत है। अल्लाहु अकबर, एक मर्तबा ऐसा हुआ, हदीस अबू नुआइम से मरवी है, हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी में अपने दौर में खुतबा दे रहे थे। खुतबे के दौरान ही आपने खुतबे को रोका और रोकने के बाद तीन मर्तबा आपने एक जुमला बोला। सुनिएगा तवज्जो से, फारूक आजम कहते हैं, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ से आओ, ए सारिया पहाड़ की तरफ से आओ, ए सारिया पहाड़ की तरफ से आओ। अल्लाहु अकबर, जो मस्जिद नबवी में सिहाबा थी ताज्जुब में पड़ गए, ये किससे कह रहे हैं, ए सारिया पहाड़ की तरफ से आओ। आपने नमाज पढ़ा दी, नमाज मुकम्मल हो गई, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला पास आते हैं, उन्होंने मालूम किया, ए उमर ये बताओ, खुतबे के दौरान तकरीर करते हुए, खुतबा देते हुए आपने ये जुमला बोला, या सारिया अल जबल, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मकसद क्या है। सुनिएगा तवज्जो के साथ, फारूक आजम कहते हैं अब्दुल रहमान बिन औफ से कि जंग हो रही है ईरान के एक सूबे में, वहां हजरत सारिया उनके कमांडर हैं, उस जंग के कमांडर हैं, उसके चीफ हैं। मैं खुतबा दे रहा था, मैंने अपनी निगाह उठाई तो मैंने देखा कि दुश्मनों ने उनको घेर लिया है, चारों तरफ से वो परेशान हैं, उन्हें शिकस्त होने वाली थी। मैंने देखा, मुझसे रहा ना गया, मैंने यहीं से कहा, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ से आओ तो जीतोगे, पहाड़ की तरफ से आओ तो तुम्हें फतह मिलेगी। अल्लाहु अकबर, मैं आपको बता दूं, मस्जिद नबवी से निहावन जो कि ईरान का सूबा है, इतनी लंबी मसाफत है, उस दौर में अगर कोई बंदा जाता एक महीना लगता था जाने के लिए, लेकिन फारूक आजम की शान देखें, मुस्तफा की इनायत देखें, मस्जिद नबवी में है और मस्जिद नबवी से इतने मीलों से जो दूर है वहां तक का देख लिया, मस्जिद से देख लिया। आप फरमाते हैं, ए सारिया पहाड़ की तरफ से आओ। कुछ दिनों के बाद में एक खत आता है, खत में क्या लिखा था कि हम जंगल रहे लड़ रहे थे, हमें शिकस्त होने वाली थी, अचानक एक आवाज आई जुमे के वक्त में, जुमे की नमाज के वक्त, ए सारिया पहाड़ की तरफ से आओ, तुम्हें फतह मिलेगी। अल्लाहु अकबर, उस आवाज को हजरत सारिया ने सुना, पहाड़ की तरफ से आए, दुश्मनों को शिकस्त मिली, हमें फतह मिली। वो खत पढ़ा, वो खत उसी वक्त का था जब फारूक आजम ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर के करोड़ों मील के सफर को कहा था, ए सारिया पहाड़ की तरफ से आओ। अब जरा ज़हन को करीब कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सैटेलाइट का दौर है। अल्लाहु अकबर, इंसान बड़ा तरक्की कर गया, साइंस बड़ा आगे बढ़ गया, लोग फख्र करते हैं वीडियो कॉलिंग पर, लोग फख्र करते हैं मोबाइल से बात करने पर, लोग फख्र करते हैं उंगली चलाकर, कभी इंडोनेशिया को देख लिया, कभी साउथ अफ्रीका को देख लिया, कभी मलेशिया को देख लिया, कभी अमेरिका को देख लिया। लोग साइंस पे फख्र करते हैं,
कि हम वीडियो कॉल पर बात करते हैं। जरा तसव्वुर में लाइए, उस वक्त साइंस का कोई तसव्वुर ना था, मोबाइल का कोई तसव्वुर ना था, सोशल मीडिया का कोई तसव्वुर ना था। अल्लाहु अकबर। लेकिन नबी के सच्चे गुलाम उमर फारूक आजम ने मस्जिद नबवी से सारिया से लाइव बात की और बताया, ए सारिया पाल की तरफ से आओ। उन्हें देख भी लिया, उनसे बात भी की और नबी के गुलामों को बताया, अकीदत अगर सच्ची हो तो नजर उठ जाए अल्लाह पर्दे उठा देता। आप अंदाजा लगाएं, असारिया सारिया को पैगाम दे दिया, आज हम लाइव बात करते हैं तो फख्र करते हैं। मैं मना नहीं करता, करना चाहिए, लेकिन जरा गुलामाने मुस्तफा की शान भी तो देखो, गुलामे रसूल की शान भी तो देखो, गुलामे रसूल को समझो तो सही। अल्लाहु अकबर। आज मोबाइल पर फख्र है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, कुछ लोगों ने मोबाइल की ताकत को माना, साइंस की ताकत को माना, सैटेलाइट की ताकत को माना, लाइव बात करने को माना, लेकिन नबी के गुलामों की ताकत को नहीं माना। आप देखें उमर की ताकत, उमर की करामत का यह आलम है कि महीनों का सफर है लेकिन मस्जिद नबवी से सब देख लिया कि दुश्मन कहाँ है, नबी के गुलाम कहाँ है। लाइव देख करके हजरत सारिया के कानों में आवाज पहुंचाई, ए सारिया तुम पहाड़ की तरफ से आओ, मैं देख रहा हूं। अल्लाहु अकबर। ये करामत फारूक आजम है, लिहाजा हमें सबसे पहले फारूक आजम को मानना होगा, फारूक आजम को समझना होगा। हजरत उमर को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, उनका मकाम क्या है, उनकी फजीलत क्या है, यूं तो अगर बयान किया जाए तो बहुत वक्त दरकार है, लेकिन बयान नहीं हो सकता। फारूक आजम की शान बहुत बुलंद वाला है। दौरे खिलाफत की एक एक वक्त को देखें, एक एक लम्हे को देखें, इस तरह आपने वक्त गुजारा कि लोग ये कहते थे, हजरत अली का कौल बताता हूं मैं आपको, जब आप शहीद हुए ना, शहीद हुए आपने दुआ की थी, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, बिस्तर पे मौत मत देना। रब ने आपको शहादत की मौत दी। अली की आंखों में आंसू है, अली रो रहे हैं, तारिये मुबारक तर है, किसी ने कहा अली इतना क्यों रोते हो, अली ने जवाब दिया, दामादे मुस्तफा, ए लोगों तुम्हें मालूम है ना ये कौन बंदा दुनिया से जा रहा है। अल्लाहु अकबर। तुम जानो तो सही ये जा कौन रहा है। अलीयुल मुर्तजा बोले, उमर ने वो काम किया है, उमर की तरह काम कौन करेगा, उमर की तरह अमल कौन करेगा। अली बोले जनाजे के करीब पहुंच करके, या अल्लाह मुझे वो काम करने की तौफीक दे जो फारूक आजम कर करके गए हैं। अल्लाहु अकबर। ये अंदाज था फारूक आजम का। और चलते चलते मैं आपको बता दूं, फारूक आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु जब बिल्कुल नशा का वक्त आया, जख्मों की शिद्दत थी, जख्मों में दर्द था। अल्लाहु अकबर। नशा का वक्त करीब है, अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए बेटा मेरे ऊपर 80 दीनार कर्ज है, मेरे बाद उन्हें अता करना ताकि मेरी कब्र पर बोझ ना रहे। अगर तुम ना दे सको तो लोगों से दिलवाना, अली से दिलवाना। आप क्या समझे, 40 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरा अगर दुनिया से जा रहा है, अल्लाहु अकबर, तो 80 दीनार कर्ज के हैं। इसका मतलब ये हुआ, उस अल्लाह के वली ने, उस नबी के सिहाबी ने, उस पतले जलील ने जो कुछ खर्च किया था वो रियाया पे खर्च किया था, अपने ऊपर खर्च नहीं किया। अपने पास तो पैवंद का कुर्ता था, अपने पास तो चप्पल भी ना थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ,
ईद की नमाज का वक्त हो गया, अपनी बीवी से कहा लाओ चप्पल दो। अल्लाह अकबर, सुनिएगा, मैं 40 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बार बार कह रहा हूँ, उसकी जिंदगी बता रहा हूँ। कहा चप्पल दो, बीवी ने कहा हजरत इतनी मर्तबा चप्पलों को सिया गया है, अब वो चप्पल सुनने के लायक नहीं, पहनने के लायक नहीं, हुक्मरान थी, चाहते तो खरीद सकते थे। कहने लगे कोई बात नहीं, आज पैदल ही चलते हैं। आप पहुंच गए नमाज पढ़ने ईद की, अल्लाहू अकबर, लोगों ने देखा अमीरुल मोमिनीन नंगे पांव हैं, फारूक आजम की पांव में चप्पल नहीं। कहा कि चप्पल कहां है? आपने फरमाया छोड़ो, दुनिया बहुत छोटी सी है, चप्पलों का क्या होना है, उमर का किरदार अच्छा होना चाहिए, रब की रजा मिलेगी, मुस्तफा की रजा मिलेगी। अल्लाहू अकबर, आप अंदाजा लगाएं, फारूक आजम ने ऐसी जिंदगी गुजारी। नशा का वक्त था, कहा बेटा 80,000 दिनार है, इनको अदा करना, और बड़ी प्यारी बात है, आपने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, अम्मा आयशा के पास जाओ, अम्मा आयशा से कहना उमर का वक्त पूरा हो गया है, उमर की जिंदगी पूरी हो गई है, उमर के जाने का वक्त है। अम्मा आयशा से कहना अगर आपकी इजाजत हो तो उमर मुस्तफा के साथ उनके कब्र के पास सोना चाहता है। अल्लाहू अकबर, एक तो हुजूर का रोजा मुबारक है और फिर हजरत अबू बकर का है, और उसके बाद जो जगह थी अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, वो मैंने अपने लिए छोड़ी थी, लेकिन जब बेटा आया फारूक आजम का, कहा अम्मा आयशा अब्बा का पैगाम है, अगर आप कहें तो यहां पर दफन कर दिया जाए आका के साए में, आका के करीब। आयशा सिद्दीका ने सुना, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, उमर का वक्त करीब है। एक बतले जलील अल्लाह का बहादुर, जिसके इस्लाम लाने से इस्लाम को बड़ी ताकत मिली, आज दुनिया से जा रहा है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ए बेटा, अपनी कब्र की जगह कोई किसी को देता नहीं, लेकिन उमर ने काम ऐसा किया है, जाओ जाकर के बता दो, जो मदीनतुल मुनव्वरा आएगा, रोजे रसूल पे आएगा, जो मुस्तफा जाने रहमत पर सलाम पड़ेगा, वो अबू बकर पे सलाम पड़ेगा, और कयामत तक वो सलाम उमर फारूक पर भी पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, उमर फारूक आजम पर भी पड़ेगा। आपने इजाजत दे दी कि इनकी कब्र भी यही बना दी जाए। अब रोजे रसूल में मुस्तफा जाने रहमत की कब्र है, वहीं पास में अबू बकर की कब्र है, उसके पास में हजरत उमर फारूक आजम की कब्र है। अल्लाहु अकबर, अंदाजा लगाएं क्या मकाम होगा, क्या मकाम होगा कि आपको जगह मिली आका करीम के पास कब्र में जाने की। और फिर क्या हुआ, एक आखिरी बात बता दूं, बड़े मसले हल होंगे इस बात को सुनने के बाद। जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह की आपकी आवाज आए, सुनिएगा गौर से। आपको दफन कर दिया गया, उरवा बिन सुबैर इसके रावी हैं, मिश्कात में, बुखारी में यादी से पाक है। उरवा बिन सुबैर वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर है। अल्लाहु अकबर, हुआ क्या कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के रोजे के पास की दीवार गिर गई, दीवार गिरी, उसको बनाना चाहा तो बुनियाद खोदी गई। हजरत उरवा बिन सुबैर कहते हैं, बुनियाद जब खोदी तो एक कदम घुटने तक जाहिर हो गया, एक कदम दिखने लगा, लेकिन कदम कैसा था, कदम के अंदर खून भी था, कदम बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसा जिंदा बंदे का हो, और वो तो जिंदा ही है। अल्लाहु अकबर, कदम में कोई भी लफ्ज नहीं, कदम के अंदर कोई भी ऐसी बात नजर नहीं आ रही थी कि जिससे कदम सूख गया है, पांव जाहिर हो गया। अल्लाहु अकबर, कहां तक, घुटने तक, लोगों में चर्चा हो गई, लोग कहने लगे शायद ये कदम अल्लाह के रसूल का है, शायद ये पांव अल्लाह के रसूल का है। लेकिन उरवा बिन सुबैर कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने देखा, कोई पहचान नहीं रहा था, मैंने पहचाना, मैंने उमर को देखा था। वो कहने लगे, मैंने देख करके बताया
لا والله ما قدم النبي لا والله ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والله ما قدم عمر فرمایا اللہ کی عزت کی قسم یہ قدم جو ہے نبی کا نہیں یہ قدم فاروق اعظم کا ہے اللہ اکبر اور لکھا ہے خطبات محرم میں مفتی جلال الدین احمد امجدی نے 64 سال کے بعد آپ کے وصال کے 64 سال کے بعد آپ کا قدم ظاہر ہوا اس قدم پر کوئی فرق نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں جب قدم اتنا صحیح سلامت تو جسم کتنا صحیح سلامت ہوگا جب جسم صحیح سلامت تو چہرہ کتنا سلامت ہوگا اللہ اکبر جب پورے عمر فاروق اتنے سلامت ہیں تو ان کے نبی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کائنات کے رسول ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا ارے جب غلاموں کی شان یہ ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی اس لیے بریلی کے امام بول اٹھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم